नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे उस अभिनेत्री के बारे में जिसका नाम है मर्लिन मुनरो, जिन्होंने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए किस तरह की फिल्में की, जिन्होंने अभिनेत्री बनने से पहले किस तरह की चीज़ें देखी और अभिनेत्री बनने के बाद किस तरह की चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ा। मर्लिन मुनरो, जन्म नॉर्मो मॉन्ट्रेसन, 1 जून 1926, 4 अगस्त 1962, एक अमेरिकी अभिनेत्री, मॉडल और गायिका थी। कॉमेडी गौरा धमाकेदार किरदार निभाने के लिए मशहूर वो 1950 और 1960 के दशक के सबसे लोकप्रिय सेक्स सिंबल में से एक बन गई और युग की यौन क्रांति की प्रतीक थी। वो केवल एक दशक के लिए एक शीर्ष प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी, लेकिन उनकी फिल्मों ने 1962 में उनकी मृत्यु के समय $2,000 मिलियन, 2019 में $2 बिलियन के बराबर कमाई की। अपनी मृत्यु के बाद लंबे समय के बाद वो पॉप संस्कृति का प्रमुख प्रतीक बन गई। 1999 में अमेरिकी फिल्म संस्थान ने हॉलीवुड के स्वर्ण युग से सबसे बड़ी महिला स्क्रीन की वंदितियों की अपनी सूची में मुनरो को छठा स्थान दिया। लॉस एंजलिस में जन्मी और पली बड़ी मोनारो ने अपनी अधिकांश बचपन पालक घरों और एक अनाथालय में बिताया था। 19 साल की उम्र में शादी कर ली और वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक कारखाने में काम कर रही थी, जब वो फर्स्ट मोशन पिक्चर यूनिट के एक फोटोग्राफर से मिली और एक सफल शुरुआत की पिन अप मॉडलिंग करियर, जिसके कारण 20वीं सेंचुरी फॉक्स और कोलंबिया पिक्चर्स के साथ अल्पकालिक फिल्म अनुबद्ध हुए। कई छोटी फिल्मों की भूमिकाओं के बाद उन्होंने 1950 के अंत में फॉक्स के साथ एक नई अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए। अगले 2 वर्षों में वो कई कॉमेडी में भूमिकाओं वाली एक लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई, जिसमें एज अ यंग, एज अ यू फील एंड मंकी बिजनेस और ड्रामा शामिल है। क्लैश बाय नाइट एंड डोंट बर्थ टू नॉक, उसे एक घोटाले का सामना करना पड़ा जब ये पता चला कि उसने एक स्टार बनने से पहले नग्न तस्वीरें खिंचवाई थी, लेकिन कहानी ने उसके करियर को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसके परिमाण स्वरूप उसकी फिल्मों में रुचि बढ़ गई। 1953 तक मुनरो हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक थी। फिल्म नायर न्यार्ग में उनकी प्रमुख भूमिकाएं थी, जो उनकी सेक्स अपील पर केंद्रित थी, और कॉमेडी जेंटलमैन प्रीफर ब्लॉन्ड्स और हाउ टू मैरिज अ मिलेनियर, जिसने उनकी स्टार छवि को गूंगा गोरा के रूप में स्थापित किया। उसी वर्ष उनकी नग्न छवियों का उपयोग केंद्र बोल के रूप में और प्लेबॉय के पहले अंक के कवर पर किया गया था। उसने अपने पूरे करियर में अपनी सार्वजनिक छवि के निर्माण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जब वो टाइपकास्ट हुई और स्टूडियो द्वारा उसे भुगतान किया गया तो वो निराश हो गई। 1944 की शुरुआत में उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया गया, लेकिन द सेवन ईयर ईट 1955 में उनके करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफल फिल्मों में से एक में काम करने के लिए उन्हें वापस बुलाया गया, जब स्टूडियो मोनारो के अनुबंधन को बदलने के लिए अभी भी अनुच्छुक था। उसने 1944 में अपनी फिल्म निर्माण कंपनी की स्थापना की। उन्होंने 1955 को कंपनी के निर्माण के लिए समर्पित किया और एक्टर स्टूडियो में ली स्ट्रेसबर्ग के तहत अभिनय की विधि का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उस वर्ष बाद में फॉक्स ने उसे एक नया अनुबंधन दिया, जिसने उसे अधिक नियंत्रण और एक बड़ा वेतन दिया। उनकी बाद की भूमिकाओं में बस स्टॉप 1956 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन और द प्रिंस एंड द शॉर्गल 1957 में उनका पहला स्वतंत्र निर्माण शामिल था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताओं के लिए कुछ लाइक इट हिट 1959 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गोल्डन ग्लोब जीता। उनकी आखिरी पूरी फिल्म ड्रामा थी मिस्टर फिट्स 1961 की। जीवन और पेशा 1926 से 1943। बचपन और पहली शादी। एक शिशु के रूप में मुनारो एक सफेद पोशाक पहने और एक चर्म पत्र गलीचा पर बैठे। मोनरो का जन्म नॉर्मो जिन मॉट्रेसन के रूप में 1 जून 1926 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस काउंटी अस्पताल में हुआ था। उनकी माँ ग्लैडिस पर्ल बेकर एक गरीब
मिडवेस्टर्न परिवार से थी जो सदी के मोड़ पर कैलिफोर्निया चले गए थे। 15 साल की उम्र में उसने जॉन न्यूटन बेकर से शादी कर ली जो 9 साल का एक अपमानजनक आदमी था। उनके दो बच्चे थे जिनका नाम रॉबर्ट और बनविर्ज था। उसने 1923 में तलाक और एकमात्र हिरासत के लिए सफलतापूर्वक दायर किया, लेकिन बेकर ने जल्द ही बच्चों का अपहरण कर लिया और उनके साथ अपने मूल कैंटिक चले गए। मोनारो को ये नहीं बताया गया कि जब वो 12 साल की थी तब उसकी एक बहन थी और पहली बार एक व्यसक के रूप में बर्न बिल से मिली थी। तलाक के बाद ग्लैडिस ने समेकित फिल्म उद्योग में फिल्म नकारात्मक कटर के रूप में काम किया। 1924 में उन्होंने मार्टिन एडवर्ड मोटरसन से शादी की, लेकिन वो कुछ महीनों बाद ही अलग हो गए और 1928 में तलाक हो गया। मुनरो के पिता की पहचान अज्ञात है और वो अक्सर बेकर को अपने उपनाम के रूप में इस्तेमाल करते थे। 1949 से 1952 निर्णायक वर्ष। जब कोलंबिया में उसका अनुबंधन समाप्त हुआ तो मोनारो ने मॉडलिंग में फिर से वापसी की। उन्होंने पाबस्ट बियर के लिए एक वाणिज्यिक फिल्म की शूटिंग की और जॉन बामगर्थ कैलेंडर्स के लिए कलात्मक जुर्बों में पोज दिया। मोनारो ने पहले अर्ल मॉर्न जैसे अन्य कलाकारों के लिए बिकनी में टॉपलेस या क्लैड लगाया था और नग्नता के साथ सहज महसूस किया। विलियम मॉरिस एजेंसी के अध्यक्ष हाइड के माध्यम से मोनारो ने कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई जिसमें दो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कृतियां शामिल है। जोसेफ मैनक्विजिस ड्रामा ऑल अबाउट ईव 1950 और जॉन हस्टन की फिल्म नायर द डामल जंगल 1950 उसके स्क्रीन समय के उत्तरार्ध में केवल कुछ मिनटों के होने के बावजूद उसने फोटो पले में एक उल्लेख प्राप्त किया। और जीवनकार डोनाल्ड स्पोटो के अनुसार फिल्म मॉडल से गंभीर अभिनेत्री तक प्रभावी रूप में चली गई। दिसंबर 1950 में हाइड ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के साथ मोनारो के लिए 7 साल के अनुबंधन पर बातचीत की, पर अपनी शर्तों के अनुसार फॉक्स प्रत्येक वर्ष के बाद अनुबंधन को नवीनीकृत नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। हाइड का निधन केवल कुछ दिनों बाद दिल का दौरा पड़ने से हुआ जिसने मोनारो को तबाह कर दिया। 1951 में मोनारो ने 3 सफल फॉक्स कॉमेडीज एज यंग एज यू फील, लव नेस्ट और लेट्स मेक इट लीगल में सहायक भूमिकाओं की भूमिका निभाई थी। मार्च 1952 में मोनारो ने खुद को एक घोटाले के केंद्र में पाया जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि उन्होंने 1949 में एक नग्न कैलेंडर के लिए पोज दिया। स्टूडियो ने तस्वीरों के बारे में जान लिया था और कहा कि वो कुछ हफ्ते पहले मॉडल बनने के लिए सार्वजनिक रूप से अफवाह थी और मोनारो के साथ मिलकर ये तय किया कि अपने करियर को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए उन्हें उस समय तनाव में रहते हुए स्वीकार करना सबसे अच्छा था। रणनीति ने उनकी सार्वजनिक सहानुभूति प्राप्त की और उनकी फिल्मों में रुचि बढ़ गई जिसके लिए उन्हें अब शीर्ष बिलिंग प्राप्त हो रही थी। घोटाले के मद्देनजर मोनारो को लाइफ के कवर पर टॉक ऑफ हॉलीवुड के रूप में चित्रित किया गया था और गपशप स्तंभकार हेडा हॉपर ने उन्हें ट्रीज के क्वीन घोषित किया। बॉक्स ऑफिस स्मैश फॉक्स ने मोनारो को 3 फिल्में रिलीज की, नाइट बॉय डॉट, बर्थ टू नॉक और वी आर नॉट मैरिड, जल्द ही जनहित को भुनाने के लिए। 1953 राइजिंग स्टार। मोनारो ने 3 फिल्मों में अभिनय किया जो 1953 में रिलीज हुई और एक प्रमुख सेक्स प्रतीक के रूप में उभरी और हॉलीवुड की सबसे उल्लेखनीय कलाकारों में से एक थी। पहली टेक्निकलर फिल्म नॉयर नियार्गो थी जिसमें उन्होंने जोसेफ सॉटन द्वारा निभाई गई अपने पति की हत्या करने के लिए फैमिले फेटेले की भूमिका निभाई थी। तब तक मोनारो और उनके मेकअप आर्टिस्ट एलन व्हाइट स्नाइडर ने उनके ट्रेडमार्क मेकअप लुक को विकसित किया था। डार्क धनुषकार भोये, पीली त्वचा, लाल होंठ और एक सौंदर्य चिन्ह सारा चर्चवेल के अनुसार नियार्गा मोनारो के करियर की सबसे अधिक यौन फिल्मों में से एक थी। कुछ दृश्यों में मोनारो के शरीर को केवल एक चादर पर और एक तौलिया द्वारा कवर किया गया था जिससे समकालीन दर्शकों द्वारा चौंकाने वाला माना जाता है। नियार्गा का सबसे प्रसिद्ध दृश्य मोनारो के पीछे 30 सेकंड का लंबा शॉट है जहां वो अपने कुल्हों के साथ घूमती हुई दिखाई देती हैं।
जिसका फिल्म के विपणन में भरी उपयोग किया गया था। जब जनवरी 1953 में उन्हें नियारगा रिलीज हुई तो महिला क्लबों ने इसका अनैतिक रूप से विरोध किया, लेकिन ये दर्शकों के बीच लोकप्रिय साबित हुई, जबकि वेरहाइट ने इसे क्लिच और रुगण समझा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने टिप्पणी की कि गिरने और मिस मोनारो दिखने के लिए कुछ है। हालांकि मोनारो इस बिंदु पर सही अभिनेत्री नहीं हो सकती, वो मोहक हो सकती है। जब वह चलाता है, मोनारो ने खुलासा करने वाले आउटफिट पहनकर ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, जो जनवरी 1953 में फोटो प्ले पुरस्कारों में सबसे प्रसिद्ध था, जहां उन्होंने फास्टेस्ट राइजिंग स्टार पुरस्कार जीता। उसने त्वचा पर सोने की लामा पोशाक पहनी थी, जिसने दिग्गज स्टार जॉन क्राफोर्ड को सार्वजनिक रूप से अपने व्यवहार को एक अभिनेत्री और एक महिला के बारे में असंगत कहा। न्यूड फोटोशूट के लिए मात्र $50। जिस न्यूड फोटोशूट के लिए मुनरो की इमेज उस वक्त खराब हुई थी, उसके लिए उसे मात्र $50 मिले थे। 1949 में मुनरो ने फोटोग्राफ टॉम कैली के लिए ये कैलेंडर फोटोशूट किया था। कैलेंडर तो पब्लिश नहीं हुआ, पर प्लेबॉय मैगजीन ने कैली से ये फोटोग्राफ नेगेटिव समेत $500 में खरीद ली। मैगजीन के कवर पेज पर इस फोटोग्राफ ने कई मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया और उसमें मुनरो को कोई हिस्सा नहीं मिला। फिल्मों के लिए बाकी अभिनेत्रियों से बहुत कम फीस उन्हें मिलती थी। ग्लोबल सेलिब्रिटी और फैशन आइकन बनी मर्लिन मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू करने में बहुत जल्द सफल हो गई। वो कई पत्रिकाओं के कवर पर भी दिखाई देने लगी। 1946 में मर्लिन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस साल उन्होंने अपने पति को तलाक दिया और अपना नाम नॉर्मा बेकर से मर्लिन मुनरो कर लिया। उन्होंने अभिनय सीखना शुरू किया और कुछ ही समय में 20th सेंचुरी फॉक्स की तरफ से उन्हें उनकी पहली फिल्म का प्रस्ताव मिल गया। उनकी शुरुआती फिल्में कुछ खास नहीं रही, लेकिन इन्हीं शुरुआती फिल्मों की वजह से उन्हें आगे प्रमुख भूमिकाएं मिली। मर्लिन विश्व स्तर पर मशहूर हो गई। अब वो हॉलीवुड ग्लैमर और फैशन आइकन बन चुकी थी। मृत्यु और अंतिम संस्कार। अपने अंतिम महीनों के दौरान मोनारो लॉस एंजलिस के ब्रैटवुड पड़ोस ने 12305 5th हेलन ड्राइव में रहते थे। उनके घर का नौकर यूनिस मुरेर 4 अगस्त 1962 की शाम को घर पर ही था। मुरैना ने 5 अगस्त की सुबह 3 बजे जगाया और महसूस किया कि कुछ गलत था। उसने मोनारो को बेडरूम के दरवाजे के नीचे से रोशनी देखी, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई और दरवाजे को बंद पाया। मुरेर ने मोनारो के मनोचिकित्सक राल्फ ग्लीसन को बुलाया, जो कुछ ही समय बाद घर पहुंचे और मोनारो को उसके बिस्तर में मृत अवस्था में खोजने के लिए खिड़की के माध्यम से बेडरूम में घुस गए। नौ मोनारो के चिकित्सक हाइमन एंग्लेबर्ग लगभग 3:30 बजे पहुंचे और उसे मृत घोषित कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतिहास के पन्नों से जुड़े अहम किरदारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।